अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं यार। इन्फिनिक्स हॉट 9 के पाकिस्तान में रिलीज होने के बाद काफी चांसेस है कि टेक्नो भी जल्दी ही कुछ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रिलीज करेगा, तो लीजिए टेक्नो की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है टेक्नो स्पार्क 5 बहुत ही जल्दी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो कि सक्सेसर होने वाला है टेक्नो स्पार्क 4 का, जो लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था। काफी अच्छी सक्सेस गेन की थी टेक्नो स्पार्क 4 ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो देखते हैं किस तरह की सक्सेस जो है वो टेक्नो स्पार्क 5 हमें प्रोवाइड करता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टेक्नो स्पार्क 5 की स्पेसिफिकेशन के हवाले से, उसकी प्राइस के हवाले से कि क्या प्राइस निकल के आ सकती है, और उसके अलावा कब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रिलीज होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राणा, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। टेक्नो स्पार्क 4 ने काफी अच्छी सक्सेस अचीव की थी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो उम्मीद यही की जा रही है कि टेक्नो स्पार्क 5 भी जो है उसकी लेगेसी को बरकरार रखेगा और अच्छी सक्सेस अचीव करेगा। बात कर लें इसकी प्राइस के हवाले से, तो सुनने में यही आ रहा है कि काफी अच्छी अग्रेसिव प्राइस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रिलीज किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन भी जो है वो काफी बेहतर नजर आ रही है स्मार्टफोन की। बात करें अगर इसके डिस्प्ले के हवाले से, तो 6.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा, जो कि आमतौर पर हमें टेक्नो और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के अंदर इजीली देखने को मिल जाता है आजकल। उसके अलावा एक और चीज जो बड़े आराम से हमें देखने को मिल रही है वो है पंच होल का डिस्प्ले। आमतौर के पे एंट्री लेवल के स्मार्टफोन के अंदर भी हमें जो है वो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ये जमाना मैं कह सकता हूं कि पंच होल डिस्प्ले का चल रहा है। इससे पहले हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा था, अब पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है अगले एक दो साल के अंदर इन डिस्प्ले कैमरा जो है वो भी रेगुलरली इसी तरह हमें जो है वो बजट स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त चीज है इस हवाले से अगर देखा जाए। उसके अलावा डिस्प्ले के हवाले से बात किया जाए तो HD प्लस का हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर, और उसके अलावा एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि iOS 6.1 की कस्टम स्किन के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो यार बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन के हवाले से, तो काफी अच्छा डिजाइन इस फोन का मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रंट के ऊपर बड़ी स्क्रीन है, पंच होल डिस्प्ले है, बैक के ऊपर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, क्वाल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, फोन के नीचे हमें माइक्रो यूएसबी की सपोर्ट देखने को मिल रही है, हेडफोन जैक भी देखने को मिल रहा है, राइट साइड के ऊपर हमें वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल रहा है, जबकि पावर बटन भी हमें राइट साइड के ऊपर फोन के देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल काफी अच्छा डिजाइन हमें ये फोन प्रोवाइड कर रहा है, और चार बहुत ही जबरदस्त किस्म के कलर्स के अंदर ये हमें फोन देखने को मिल जाएगा। मिस्ट्री ग्रे है, वोकेशन ब्लू है, स्पार्क ऑरेंज है, इसी तरह एक और कलर भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छे कलर्स जो है वो इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो डिजाइन के हवाले से ये फोन जो है वो काफी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा एक और चीज बताता जाऊं, ये फोन हमें 90.2% जो है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। आमतौर पर फ्लैगशिप फोन के अंदर जो है हमें 92% तक के आसपास जो है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिखाई देती है, ये फोन हमें 90.2% जो है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी प्रोवाइड कर रहा है। इस मोबाइल फोन के कैमरा के हवाले से बात करने से पहले मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आप 15,000 से 20,000 रुपए के स्मार्टफोन की रेंज के अंदर अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखी जाए कैमरा के हवाले से, एक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप जबकि दूसरी साइड पे डुअल कैमरा सेटअप हो, तो आप कौन सा कैमरा चूज करेंगे? जबकि क्वाड कैमरा सेटअप के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जबकि 2 मेगापिक्सल का AI सेंसर देखने को मिल रहा है, जबकि डुअल कैमरा सेंसर के अंदर हमें जो है प्राइमरी सेंसर जो है वो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जबकि 5 मेगापिक्सल का हमें वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन चूज करेंगे? याद रहे कि ये जो बजट रेंज है ये 15,000 से 25,000 रुपये की बजट रेंज है, इनमें से आप कौन सा स्मार्टफोन जो है वो चूज करेंगे? मैं आई कार्ड के अंदर पोल डाल रहा हूँ, पोल के अंदर मुझे जरूर बताइएगा अपनी वोटिंग के जरिए, जबकि अगर आप डिटेल में आंसर देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डुअल कैमरा सेंसर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि 16 के साथ 5 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड का सेंसर है वो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, जबकि हमें माइक्रो सेंसर, डेप्थ सेंसर और AI सेंसर की इस बजट रेंज के अंदर कोई खास जरूरत नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बात करें इस फोन के हवाले से, तो जो क्वाड कैमरा सेटअप मैंने आपको बताया है सेम वही इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल के साथ 2-2 मेगापिक्सल का हमें माइक्रो डेप्थ सेंसर और AI सेंसर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। बात करें फोन की बैटरी के हवाले से, तो टेक्नो ने हमें इस फोन के अंदर भी जो है वो 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है, जबकि फास्ट चार्जर इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा, 10W का स्टैंडर्ड चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि 3-4 घंटे के अंदर आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। बात कर लेते हैं इस फोन के इंटरनल के हवाले से, जो कि टेक्नो और इन्फिनिक्स की एक दुखती रग है। इस फोन के हवाले से बात करें तो इस फोन के अंदर अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि हमें कौन सा जो है वो चिपसेट देखने को मिलेगा। दो ऑप्शन हमारे सामने है, A25 का चिपसेट भी देखने को मिलता है, जबकि P22 का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद P22 का हमें इसके अंदर
जो आपको चिपसेट देखने को मिलेगा। हालांकि रिवायत को फॉलो करना चाहिए था, इन्फिनिक्स हॉट 9 की तरह इसके अंदर भी हमें जो है वो A22 का चिपसेट लेके आना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक अंदाजे के मुताबिक P22 का ही चिपसेट जो है वो इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं फ़ोन के जो है मेमोरी के हवाले से, तो 2 GB प्लस 32 GB का एक वेरियंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में आ सकता है। उसके अलावा 3 GB प्लस 64 GB का भी वेरियंट पाकिस्तान की मार्केट में आ सकता है, लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितने जो है इस फ़ोन के वेरियंट जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इसकी जो प्राइस जो है वो परफेक्ट अगर बैठती है, ये फोन अगर 16 से 16.5 हज़ार की प्राइस रेंज के अंदर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रिलीज होता है तो काफ़ी अच्छी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा ये फोन। तो ओवरऑल फोन काफ़ी बेहतर है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, कैमरा भी ठीक ठाक है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फोन है। देखते हैं किस प्राइस रेंज के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, अगर तो 16 से 16.5 हज़ार के अंदर ये देखने को मिल गया तो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई तो मुझे सजेशन दीजिएगा वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज सैफ राणा साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।